तो हेलो फ्रेंड्स, आप भी 18 से 2021 सेक्शन के हैं और पार्ट टू का आपको फॉर्म भरना है। आपको भरने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या और बहुत सारा इशू हो रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपको टोटल इशू आपको क्लियर हो जाने वाला है फ्रेंड्स। तो अभी एस बी एन कॉलेज है या कोई भी कॉलेज से है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको बिना यूजर आईडी और पासवर्ड से ही आप इजी फॉर्म भर पाइएगा और वो भी अपने फ़ोन से भर पाइएगा फ्रेंड्स, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र जैसे ओपन कीजिएगा तो आपका गूगल वहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च बार में आपको क्या करना है, मगध यूनिवर्सिटी टाइप कर लेना, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी से तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पता नहीं होगा कौन सा वेबसाइट पर आपको करना है, ठीक है। आपको बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा लेकिन आपको एक वेबसाइट से ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारा आप देख सकते हैं वेबसाइट, तो आपको स्लाइड करके नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ठीक है। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है BA/BSc/BCom, आपको इस पर प्रेस कर देना है। प्रेस कीजिएगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट एंड थर्ड ईयर्स फॉर एग्जामिनेशन 2020, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट इंटरफेस इस टाइप से आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे उसको छोड़ देना है और सबसे पहले आपको आ जाना है स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। तो आप कैंडिडेट, ठीक है, ओल्ड कैंडिडेट, मतलब कहने का मतलब ओल्ड कैंडिडेट मतलब जिस कॉलेज से पार्ट वन किया उसी कॉलेज में आपको फिर से पार्ट टू का भरना है, तो ओल्ड कैंडिडेट वही होता है, ठीक है। तो ओल्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देना है, ठीक। तो रोल नंबर यहाँ पे मैं डाल दिए हैं और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। सही क्लिक कर देंगे, लोड लेने के बाद आपको थोड़ा सा नेक्स्ट इंटरफेस ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद स्लाइड करना है आपको, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्लाइड कीजिएगा तो थोड़ा सा जूम कर देंगे तो वहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जूम करने के बाद आप अप्लाई स्टेटस, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसमें फॉर्म भरना है और क्या क्या इसमें है उस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोड लेने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो नीचे देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी नंबर भी आपको पोर्ट कर देना है, नंबर तो ले लेगा। और यहाँ पे आपका फ़ोटो हो जाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन आपको पॉइंट है, फ़ोटो आपको 10 से 50 के भी बनाना है और सिग्नेचर 5 से 15 के भी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई पे कर देना है, ठीक है। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल या आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त में ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।